Good morning, students. How are you all? Hope you all are good, safe, and fine. So, let us see our new poem. We have completed, let's help each other listen. We also completed the grammar and vocabulary. Now we will see the poem. This is very interesting poem. The title is The Little Daisy. What it is? The little daisy. Daisy मतलब flowers. Flowers, ये जो flowers दिख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? Daisy कहते हैं. Okay? ये flowers का नाम daisy है. हम conveniently देखेंगे, यहाँ पर है, देखो. ये जो flower है, इसको क्या बोलते हैं? Daisy. Daisy flower बोलते हैं. Okay? See. Let us start. ये क्या कह रही है daisy? हम ये poem में देखेंगे. The little white daisy opened with the sun. So what it is telling? ये जो daisy है ना, जब भी सूरज उगता है ना, सूरज जब निकलता है तो ये जो daisy है वो भी खिलते हैं. Okay? Open होते हैं. आई एम नॉट लेजी when there's work to be done. So मैं कभी भी सुस्त नहीं होती. जब भी काम रहता मैं करती. मैं लेजी नहीं होती, ठीक है, मैं सुस्त नहीं होती. The bee will come to suck my money. Sorry, the bee will come to suck my honey. Okay? So क्या कह रहा है कि ये फ्लावर क्या बोल रही है कि जो बी रहता, हनी भी रहता ना, शहद की मक्खी. सो वो जो मक्खी जो रहती वो क्या करने आती इसके पास, उसका जो हनी, फ्लावर्स में हनी रहता ना, वो हनी को चूसने, आई मीन वहाँ से लेने या चूसने. सक मीन्स चूसना. सो वहाँ से वो कैरी करती, उसके फ्लावर में से वो हनी ले लेती. बी जो रहती ये है देखो शहद की मक्खी, वो जो क्या करती इसमें से हनी ले लेती. ओके. And she doesn't pay me with any money. और वो कुछ भी मेरे को pay नहीं करती, उसका वो ले लेती चले जाती, उसके लिए मेरे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है उसको. Next, but without her, I'd have no seats. लेकिन उससे, अगर से वो नहीं आई तो मेरे पास seats नहीं रहते. Seats क्या रहते बोले तो, ये जो ये honey भी रहती ना, उसके जो पैर रहते ना, उसमें सीड्स रहते. लाइक अगर से फ्लावर्स रहते ना, फ्लावर्स के जो सीड्स रहते उसके पैरों को चिपक जाते. बिकॉज शहद बहुत चिगेट टाइप रहता ना, स्टिकी रहता. सो उसके जो सीड्स रहते, वो सीड्स बीज उसके जो रहते फ्लावर्स के, वो उसके पैरों को चिपक जाते. किसके? हनी बी के, शहद की मक्खी के. वहाँ से वो दूसरे फ्लावर पर भी जाता ना, एक फ्लावर पर नहीं जाता, वो बहुत सारे फ्लावर के पास जाता. सो तो ये जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता तो वो जो सीड्स उसके पैरों को जो चिपक जाते हैं, वो जो क्या है, वो दूसरे फ्लावर पे चले जाते. वैसे उस जाने की वजह से क्या होता है बोले तो, और फ्लावर्स होते, ठीक है, समझे ना. अगर से ये जो शहद की मक्खी नहीं रहे तो उसके सीड्स नहीं आते, डेजी में सीड्स नहीं होते. एंड नो मोर डेजीज वुड ग्रो अमोंग द रीड्स. सो और ऐसा हुआ तो डेजीज इश ना होते, फ्लावर्स इश ना होते, वुड ग्रो अमोंग द रीड्स. रीड्स मतलब टॉल प्लांट्स लाइक ग्रास दैट ग्रो नियर वाटर. जिधर भी पानी रहता ना, पानी के जगह ग्रास, घास, बड़े बड़े घास रहते ना, वो उन लोगों को क्या कहते हैं? रीड्स कहते हैं. ओके, लेट अस सी वंस अगेन. द लिटिल वाइट डेजी opened with the sun. जब भी सूरज निकलता है, ये जो डेजी है वो खिलते हैं और ओपन होते हैं. आई एम नॉट लेजी वेन देयर्स वर्क टू बी डन. जब भी काम रहता मैं सुस्त नहीं होती, मैं पूरा काम कर लेती. द बी विल कम टू सक माई हनी. जो शहद की मक्खी है वो मेरी जो हनी रहता, मेरा जो शहद रहता वो लेने आती. And she doesn't pay me with any money. और वो पैसे, वो कुछ भी मेरे को पे नहीं करते. हम इंसान कैसा करते हैं, हम हर चीज़ के लिए मनी पे करना पड़ता ना हमारे को. बट ये जो हनी भी है तो उसको किस, वो उसके लिए पे नहीं करती. ओके, नेक्स्ट सी. बट विदाउट हर आई हैव नो सीट्स. वो पैसे तो नहीं देते लेकिन सीट्स रहते ना, मैं बोली ना उसके पैरों को सीट्स चिपक जाते, दूसरे फ्लावर के ऊपर गए तो वो सीट्स वो दूसरे के फ्लावर के ऊपर चले जाते. सो इसके वजह से बहुत सारे डेजीज होते, अगर से वो नहीं आए तो सीट्स दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते ही नहीं, डेजीज ही नहीं होते. और अगर से नहीं हुआ तो एंड नो मोर डेजीज वुड ग्रो अमॉन्ग द रीड्स. तो जिधर घास रहता उधर डेजीज ही नहीं होते बोल रही, अगर से शहद की मक्खी नहीं रहता. ओके, this was our poem. Let us see the hard works in it.
द लिटिल वाइट डेजी ओपेंड विद द सन में क्या है हार्डवर्ड डेजी फर्स्ट वन इज डेजी ओके सेकेंड वन इज ओपेंड ओ पी ई एन डी फर्स्ट वन इज डेजी ओपेंड मतलब खोलना खुलना ओके थर्ड वन इज लेजी सुस्त कुछ भी काम नहीं करे जैसा रहते ना हम घर में या कुछ मम्मा वल्ला कुछ काम करो तो हम लाइक नहीं करते वो काम बहुत सो उसको क्या कहते हैं लेजी थर्ड वन इज लेजी नेक्स्ट फोर्थ वन इज सक सक मतलब चूसना ओके एस यू सी के फोर्थ वन इज सक नेक्स्ट मनी इज फिफ्थ वन M O N E Y money fifth one next sixth one is without W I T H O U T without next seeds okay seventh is seeds okay first one is daisy second is opened third one is lazy fourth one is suck fifth one is money sixth one is without seventh one is seeds beans jo rehte na unko seeds kehte hain S E E D S seeds next And no more daisies. Seventh ho gaya. Next eighth. Eighth is wood. W O U L D. Wood. Wood. Next ninth one is among. A M O N G. Among. Reeds is tenth one. R E E D S. Reeds. Okay. ठीक है. First one is daisy. Second is open. Third one is lazy. Fourth one is suck. Fifth one is money. Sixth one is without. Seventh one is seeds. Eighth one is wood. Ninth one is among. And tenth one is reeds. Okay. You can pause the video. वो video रुका के आप लोग ये अगर से आपको और कुछ भी hard words दिखा तो आप इसमें से add कर लेना. Okay. Thank you. We will meet in next class with our new grammar. Okay. Thank you.